नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं विष्णु पाटीदार। दोस्तों, दिन आज का रविवार का दिन और शाम की स्थिति में आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। दोपहर की अपडेट मैंने आपको प्रदान की थी और शाम को जो स्थिति बनती है देखने को मिली है, किस प्रकार की आवक है, ये अपना निर्णय आप सभी किसान भाई लीजिएगा। मैं मंडी से आवकों की रिपोर्ट आप सभी किसान भाइयों को प्रदान कर रहा हूँ। जो दोपहर की आवक थी उसमें और शाम तक की आवक में कितना परिवर्तन मंडी के अंदर देखने को मिला है और कल की आवकों की स्थिति क्या हो सकती है। जो अभी दोपहर की जो स्थिति मैंने आपको बताई थी उसके बाद में शाम को 4:30 बजे की अपडेट आप सभी किसान भाइयों को मैं प्रदान कर रहा हूँ। इसकी स्थिति में लगभग 3 से 4 घंटे के अंतर्गत जो लहसुन मंडी के अंदर आया है उसकी जो आवकों की स्थिति क्या बनती है हमें देखने को मिली है, किस प्रकार की आवक अभी शाम के अपडेट के अनुसार मंडी के अंदर देखने को मिली है, ये जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, पसंद आए जानकारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी रोजाना की जानकारी मिलती रहे। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान भाई तक आप यहाँ की जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप ध्यान दें कि आप मंडी में जब तक आते तब तक की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, मंडी के अंतर्गत लगातार आवक जारी है। दोस्तों, ये अपडेट है शाम को 4:30 बजे की, जो कि आवकों की स्थिति आपको देखने को मिलेगी फील्ड की स्थिति से। ये इस प्रकार की आवक है, कुछ सीमित आवक शाम तक भी हमें मंडी के अंदर देखने को मिल रही है। ज़्यादा बढ़ती हुई आवक अभी तक की स्थिति में तो नहीं है, जो कि 4:30 बजे की स्थिति रविवार के दिन की। दोस्तों, दोपहर की भी मैंने रिपोर्ट आप सभी किसान भाइयों को प्रदान कर ही दी है और ये शाम की अपडेट है, किस प्रकार की आवक आज की मंडी के अंतर्गत हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, जो कि ये अपडेट है और इस प्रकार से खाली स्पेस हमें देखने को मिल रहा है मंडी के अंदर। अभी इसी प्लेटफॉर्म के अंदर की स्थिति आपको बता रहा हूँ, जो कि आप देख पा रहे हैं ये आवकों की स्थिति है और शाम की अपडेट। दोस्तों, दोपहर की अपडेट अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगी वहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आपको लिंक दी है, वहाँ पर जाकर आप दोपहर की अपडेट देख सकते हैं कि किस प्रकार की आवक दोपहर में थी और शाम को आवक किस प्रकार की देखने को मंडी के अंतर्गत मिल रही है। दोस्तों, ये अपडेट है पूरी, जो कि आवकों की स्थिति आपको मैं प्रदान कर रहा हूँ। इधर भी खाली स्पेस देखने को मिल रहा है, बल्कि दोस्तों अभी शाम को जो अपडेट हुआ है इसके अंतर्गत कुछ चेंजेस है, जो कि जानकारी मैं आपको प्रदान कर देता हूँ कि मंडी प्रशासन ने जो चूलाइन का अपडेट प्रदान कर दिया है। दोस्तों, जो कि मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, दोपहर में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही थी प्लेटफॉर्म के अंदर, लेकिन कुछ चूना लाइन जो इस प्रकार से अभी बना दिया गया है मंडी के अंतर्गत, तो स्थिति आप देखेंगे इस प्रकार से। पूरी अपडेट का जानकारी आवकों की स्थिति आपको मैं प्रदान कर रहा हूं दोस्तों, जो कि आप देख पा रहे हैं, और ये शाम की अपडेट है। दोपहर की अपडेट मैंने आपको पहले ही प्रदान कर दी है, जो कि 1 बजे की आवकों की स्थिति मैंने आपको प्रदान की थी और ये रिपोर्ट लगभग 4:30 बजे की शाम तक की अपडेट आप सभी किसान भाइयों को मैं प्रदान कर रहा हूं। तो शाम के अपडेट के अनुसार भी उतनी ज्यादा आवक मंडी के अंदर देखने को नहीं मिल रही है, लगभग सामान्यतः ही आवक मंडी के अंतर्गत है। दोस्तों, अगर आवकों की अनुमानित अगर कट्टों की अगर बात करता हूं, तो जो मैंने आपको दोपहर की स्थिति दी थी उसमें तो काफी सामान्य आवक थी मंडी के अंदर, जो कि 1500 से 2000 कट्टों की मैंने आपको दोपहर में आवकों की स्थिति प्रदान की थी। तो अब भी ज्यादा आवक नहीं है दोस्तों मंडी के अंतर्गत। अगर दोनों फील्ड की मिलाकर अगर आवकों की बात करते हैं तो लगभग 3500-4000 के समथिंग कट्टों की आवक हो सकती है, ये इस प्रकार की आवक जो आपको मैं बता रहा हूँ, और लगभग 4000 के करीबन आवक हमें देखने को मिली, लोड भी बड़े हैं, ये इस प्रकार की आवकों की स्थिति। बाकी खाली इस पे की अगर आपको ले चलता हूँ, अगर शाम को कोई भी किसान भाई मंडी में आना चाहता है तो उसके लिए आवकों की अपडेट है। वो पूरा स्पेस उधर फील्ड खाली देखने को मिल रहा है, इधर भी खाली है और ये जो गली आपको देखने को मिलेगी ये भी खाली है, और इधर की प्लेटफॉर्म की स्थिति ये भी अभी की स्थिति में खाली है। बाकी दोस्तों, निर्णय आपका रहेगा, आप हम मंडी में आते हैं तब तक की आवकों की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, ये इस प्रकार की आवक है दोस्तों। और लगभग जो दोपहर की स्थिति मैंने आपको बताई थी उसकी अपेक्षा आवक अभी कुछ बढ़ती हुई देखने को मिली है और लगातार मंडी के अंदर आवक जारी है, आप देख रहे हैं इस प्रकार की अपडेट है दोस्तों। और अनुमानित 3500-4000 से लगभग आवक है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा ही आवक देखने को मिली है अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार। बस इसी फील्ड के अंतर्गत आवक हमें देखने को मिली है, बाकी अन्य किसी फील्ड में अभी लहसुन खाली होना शुरू नहीं हुआ है। बाकी दोस्तों, आप कब तक मंडी में आते हैं तब तक की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, ये शाम को 4:30 बजे तक की आवकों की रिपोर्ट मैं आप सभी किसान भाइयों को प्रदान कर रहा हूँ। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार अगर आप जानकारी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान भाई जल्द से जल्द सारी जानकारी देख पाए। जय जवान, जय किसान।